और एक दुखद खबर, जहां बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 वर्ष की उम्र में सुशील मोदी ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली और काफी समय से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज भी चल रहा था। और जानकारी मिली, ये दुखद खबर सामने आई जब कैंसर से पीड़ित सुशील मोदी नहीं रहे। आपको बता दें कि 72 साल की उम्र में सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स के उस वार्ड में आखिरी सांस ली जहां पर उनका इलाज चल रहा था, और काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। और 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। तो कैंसर से पीड़ित थे सुशील मोदी, और कल देर रात ही पूरा जब खबर सामने आई तो पूरे राजनीतिक दल में शोक की लहर। और आप देखेंगे जहां पर कई राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने पोस्ट कर के भी दुख व्यक्त किया है। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे बीजेपी नेता सुशील मोदी, जिनका देर रात कल निधन हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुखी हुआ। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। और बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक प्रकट किया और एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हमने साथ में संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया। सुशील मोदी जी का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित रहा है, और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार की प्रगति, कमजोर वंचित वर्ग का उत्थान एवं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण आपके जीवन की संपूर्ण यात्रा के अविराम लक्ष्य रहे। सुशील मोदी जी का प्रयाण भाजपा के साथ बिहार के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी का कैंसर की बीमारी से निधन हुआ है। श्री मोदी जी का लंबा छात्र राजनीति से आज तक का सफर रहा है। मैं और वो साथ में विद्यार्थी में काम कर चुके हैं। मुझे अत्यंत निजी भी दुख है इस बात का कि उनका हमारे बीच में से जाना ये संगठन के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्षति है। कैंसर से लंबे समय से आप जूझ भी रहे थे, अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे से उनके अच्छे कार्यकाल में निभाई है। विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता, बाद में सक्रिय राजनीति में आए, कई दायित्वों का निर्वहन किया, सरकार के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बनकर के भूमिका भी निभाई। मैं शोक की इस घड़ी में पूरे परिवार के साथ हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता कि उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे बड़े भाई और परम मित्र सुशील मोदी जी नहीं रहे, मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। बिहार के विकास में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। मेरे बड़े भाई, परम मित्र सुशील जी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। वो मौलिक चिंतक थे, कुशल संगठक थे, सफल प्रशासक थे। पूरे देश, विशेषकर बिहार में
भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में उनका अतुलनीय योगदान था। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का।